देखिए सिद्ध करो के ये है पाश्चांतरवेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। सिद्ध करो के एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट एक्स माइनस ए प्लस एच नेबला की पावर एन एफ ए प्लस एन एच एन फैक्टोरियल एच की पावर एन। सॉल्यूशन, माना के वाई बराबर एफ एक्स एक ऐसे फलन को निरूपित करता है जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n प्लस वन मानो a प्लस h a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस एन एच के संगत वाई के मान क्रमशः वाई के मान क्रमशः f a a प्लस h f a प्लस 2h डॉट डॉट f a प्लस n h हैं। और माना के फलन f x में n कोटि का एक बहुपद है जिसे निम्न प्रकार लिखने पर देखिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे माना के y बराबर एफ एक्स एक ऐसे फलन को निरूपित करता है जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n प्लस वन मानो a प्लस h a प्लस 2h a प्लस n h के संगत y के विभिन्न मान क्रमशः f a f a प्लस h f a प्लस 2h डॉट डॉट f a प्लस n h हैं। और माना के फलन f(x) में n कोटि का एक बहुपद है जिसे निम्न प्रकार लिखने पर f x
बराबर एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच एन एच प्लस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट डॉट प्लस प्लस ए एन एक्स माइनस ए प्लस एन एच ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए प्लस एच। इसी समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, उपरोक्त या समीकरण एक में एक में एक्स बराबर ए प्लस एन एच ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच डॉट डॉट ए रखने पर तो सबसे पहले x बराबर a प्लस एन एच रखने पर, देखिए सबसे पहले इसमें x के स्थान पर a प्लस एन एच रखेंगे तो f a प्लस एन एच बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच एक्स माइनस ए माइनस सॉरी एक्स के स्थान पर ए प्लस एन एच माइनस ए माइनस एन एच प्लस ऐसे ही इसमें रखेंगे ए टू इंटू ए प्लस एन एच माइनस ए माइनस एन एच इंटू ए प्लस एन एच माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच प्लस सभी जीरो हो जाएंगे ये ए एन प्लस डॉट डॉट। तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी सभी कैंसिल हो जाएंगे, आगे वाले में भी सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका दिस इम्प्लाइज एफ ए प्लस एन एच बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू जीरो प्लस ए टू इंटू जीरो प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू जीरो। केवल बचेगा आपका दिस इम्प्लाइज ए नॉट बराबर एफ ए प्लस एन एच। देखिए सबसे पहले हमने आपको निकालना आना चाहिए एक्स बराबर ए प्लस एन एच रखने पर, तो ये से सभी जीरो होते चले जाएंगे, यानी ए नॉट प्लस ए वन इंटू जीरो ए टू इंटू जीरो ए एन इंटू जीरो, यानी ए नॉट का मान आ गया आपके पास। अब निकालेंगे
अब एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखने पर एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बराबर बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू ए वन इंटू एक्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए माइनस एन एच एन एच प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए माइनस एन एच इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच इंटू ए टू प्लस डॉट डॉट। तो देखिए एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बराबर ए नॉट प्लस ए वन, खोल देंगे इसे ए वन ए प्लस एन एच माइनस एच माइनस ए माइनस एन एच प्लस प्लस। प्लस ये जीरो हो जाएगा ए टू इंटू जीरो, क्योंकि ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। प्लस ए थ्री इंटू जीरो प्लस डॉट डॉट ए एन इंटू जीरो, तो आपका बचेगा ए से कैंसिल हो गया, एन एस से एन एच कैंसिल हो गया, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू माइनस एच। ए नॉट का मान रखने पर ए नॉट का मान रख देंगे एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच माइनस ए वन इंटू एच, या ए वन इंटू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच माइनस माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और ए वन बराबर एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच अपॉन एच। परंतु नेवला का मान हो गया ये ऊपर वाला, तो ए वन बराबर नेवला इंटू एफ ए प्लस एन एच बटे एच, ये आ गया आपका ए वन का मान। अब निकालेंगे ए टू का मान। देखिए उसी सूत्र में अब एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखने पर एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रख दिया, इसे छोड़कर बाकी सभी शून्य हो जाएंगे। तो ए टू डॉट जीरो ए थ्री डॉट जीरो डॉट डॉट ए एन डॉट जीरो। तो अब आपका बच गया ए नॉट प्लस ए वन इंटू माइनस एच, ए नॉट का मान रख दिया, ये ऊपर वाला नेवला का मान हो गया,
ए वन बराबर नेवला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच। पुने एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच रखने पर, अब देखिए एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच रखेंगे तो एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच, ये आपको निकालना बताया जा रहा है क्योंकि आप समझ सकें कैसे ये मान आए, बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए टू इंटू एक्स ए प्लस एन माइनस टू एन माइनस टू माइनस एन माइनस टू इंटू एच माइनस ए माइनस माइनस ए इंटू माइनस एन एच इंटू ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच एच इंटू प्लस से सभी जीरो हो जाएंगे ए थ्री डॉट जीरो प्लस डॉट डॉट ए एन डॉट जीरो। अब आपका बचेगा एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच बराबर ए नॉट प्लस ए वन इंटू ए प्लस एन एच माइनस टू एच माइनस ए माइनस एन एच। टू एच कैसे बचेगा है, एन माइनस टू प्लस ए टू इंटू ए प्लस एन एच माइनस टू एच माइनस माइनस टू एच कैसे बच रहा है, माइनस एच बचना चाहिए था। अच्छा जी ठीक है, माइनस ए माइनस एन एच इंटू ए प्लस एन एच माइनस टू एच माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच बराबर ए नॉट ए से एन एस से कैंसिल हो गया प्लस माइनस माइनस टू एच इंटू ए वन, ये कैंसिल हो गए इधर
ये कैंसिल हो गया और माइनस का एच बचेगा, प्लस ए टू इंटू माइनस टू एच इंटू माइनस एच एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच बराबर ए नॉट प्लस टू एच इंटू ए वन प्लस ए टू टू एच स्क्वायर इंटू ए टू। ये हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस टू इंटू एफ ए प्लस एन एच माइनस माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच अपॉन एच प्लस टू एच स्क्वायर इंटू ए टू। एच से एच कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपका बच गया एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस टू एफ ए प्लस एन एच माइनस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस टू एच स्क्वायर इंटू ए टू। माइनस का था ये, माइनस माइनस ठीक माइनस देखिए एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच रखने पर बाकी सभी ए टू का मान ही रहेगा, ए थ्री जीरो हो जाएगा, ए फोर जीरो, ए एन जीरो हो जाएगा, ए टू तक ही लेंगे। तो ए टू का मान निकाल लिया सरल करके, ए टू बराबर टू एच ए स्क्वायर इंटू ए टू बराबर एफ ए प्लस एफ माइनस का था प्लस का, ए टू वाला ए वन वाला माइनस का था प्लस का था, वो वाई उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का था एफ ए प्लस एन एच एन एच ए प्लस एन एच माइनस इधर ले गए तो माइनस का बच्चो यार भूल गया मैं तो, ये बचेगा आपका नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एड एच, और ये दिस इम्प्लाइज ए टू बराबर नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। इसी प्रकार ए एन बराबर
नेवला की पावर एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन ए नॉट ए वन तथा ए एन के मान के ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन के मान समीकरण एक में रखने पर अभी 3 मिनट है हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। जब एक में रखेंगे तो एक एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू नेवला एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू डॉट डॉट एक्स माइनस ए प्लस एच इंटू नेवला की पावर एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन। इस पे वो लगा दें डैश, इस पे आप डैश लगा सकते हैं। यहाँ तो सही लिख दिया, ये डैश लगा दिया, ये सही लिख दिया, ये भी सही लिख दिया, इस पे डैश लगा दिया, जो कि न्यूटन ग्रेगरी पाश्य अंतर्वेशन के लिए पाश्य अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी का अभीष्ट सूत्र है। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। स्थानांतरित करने पर प्रतिस्थापित करने पर